हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। किसी को अगर पता ना हो, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो क्योंकि मैं पूछता हूँ तो लोग शौक हो जाते कि हमारे लखनऊ के हज़रतगंज का नाम चेंज होके अटल चौक हो गया है, जो कि बहुत प्राउड की बात है, बहुत अच्छी बात है। अटल जी को कौन नहीं याद करता। हज़रतगंज की हिस्ट्री क्या थी किसी को नहीं पता है, किसी को याद नहीं है, किसी को उस पर प्राउड नहीं है। जब तक आपको अपने हिस्ट्री पर प्राउड नहीं होता, उसका होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज होकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका किसी को ट्रिब्यूट देने का, कि उसके नाम पे कुछ ऐसी चीज़ कर दो जो बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, बहुत लंबे समय से है। तो और बार बार जब नाम आदमी सोचेगा, याद करेगा, तो उसके बारे में जानेगा कि ये कौन थे। तो ये बहुत अच्छी बात है अटल जी का और अरुण जेटली जी के साथ, जो मतलब उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो भी चीज़ें की गई। धीरे धीरे ये वैसे नाम चेंज करने का तरीका मुझे इसलिए पसंद नहीं आता कभी, कि एक एक करके करते हैं तो विवाद होता है, ये होता है, वो होता है। खैर, इन दोनों चीज़ पे विवाद नहीं हुआ, लेकिन एक ही बार में कर डालो अगर करना है तो, और अगर नहीं करना है तो मत करो, करना तो एक बार में ख़त्म करो, झंझट ख़त्म हो जाए, एक बार विवाद हो, जो होना हो ख़त्म हो। रही बात दूसरी की, अभी पाकिस्तान बहुत कश्मीर कश्मीर कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है कि भाई फ्राइडे टू फ्राइडे आओ, 12 से 12:30 प्रोटेस्ट करो, कश्मीरियों के साथ खड़े होने का वो दिखाओ कि हम लोग खड़े हैं, तुम उनका मतलब मोराल बढ़ाओ। पता नहीं वो किस कश्मीरी का सहारा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने पीओके में पंजाबी मुसलमान भरे पड़े हैं, और वहाँ के कश्मीरियों को निकाल के फेंक दिया बाहर, और वहाँ गिने चुने कश्मीरी बचे हैं। तो बस मैं यही पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान प्रेमियों से, लिबरलों से, पाकिस्तानियों से, उन मुसलमानों से जो साथ देते हैं ऐसी सोच का, कि जब वो उतनों को नहीं संभाल पा रहा है, तो इतनों का ध्यान रखने की बात क्यों कर रहा है।